हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो इस वीडियो में हम करेंगे Asus Zenfone Max Pro M1 का रिव्यू। ये है 6GB वाला वेरिएंट, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 15,000 के अंदर ये फोन आपको लेना चाहिए। इसके दो वेरिएंट्स और भी आते हैं, एक 11,000 और 13,000, 3GB और 4GB रैम, बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्या ये 15,000 के अंदर जो इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, Redmi Note 5 Pro, Mi A2 और भी जो फोन है ओनर के, तो उनसे कैसे बेटर है और कैसे अच्छा परफॉर्म करता है और इसके प्रोस कौन, सब इस वीडियो में डिस्कस होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो कर देना बस। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस फोन के कैमरे के बारे में। जो इसका बैक साइड है यहाँ पे आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा और जो फ्रंट साइड है यहाँ पे मिलता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा विद LED फ्लैश, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और डार्क लाइट में जो हमारी फोटो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो अब बात करते हैं इस फोन का जो कैमरा है वो कैसे परफॉर्म करता है रेगुलर डे टू डे यूजेज में। सो एक्चुअली इसका जो कैमरा है वो मैं कहूँगा एवरेज सही है, इतना अच्छा भी नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो इसका कैमरा है वो एवरेज सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो कैमरे का सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत ही बेकार है। इसमें सिंपल से बेसिक फीचर दिए गए हैं सिंपल, यहाँ पे ना कोई स्लो मोशन है ना कोई कुछ है, और जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना वहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिली मुझे देखने को। पर इसका भी एक सोल्यूशन है, हम गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं इस फोन में विदाउट रूट। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद इसका जो कैमरा है ना भाई साहब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप हैरान हो जाओगे देख के। बस जो ये पिक्चर क्लियर जो क्लिक करता है ना उसके जो कलर इतने वाइब्रेंट नहीं है, पर गूगल कैमरा जब इंस्टॉल किया ना उसके बाद कैमरा जबरदस्त बन गया। तो मैं कहूँगा बाकी कॉम्पिटिटर से उस मामले में सबका कैमरा ऑलमोस्ट सेम है, Redmi Note 5 Pro का भी कैमरा एवरेज सही है। बट एक और बात, Asus रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है इस फोन को, तो इसका होपफुली इस फ्यूचर में कैमरा इम्प्रूव हो जाए। तो बस मुझे एक ही फोन में कौन लगा, अब हमारे सब प्रोज ही प्रोज हैं, तो अब प्रोज के बारे में बात करेंगे। सो गाइस अब हम बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। जो इस फोन का डिस्प्ले है ये हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है 6 इंच फुल HD प्लस पैनल। तो मैं एक बात कहूंगा, डिस्प्ले तो बहुत इसका शानदार है और जो इसके कलर्स हैं वाइब्रेंट कलर्स हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और तो जब हम गेम खेलते हैं तब भी हमें जो इसके ग्राफिक्स आते हैं गेम के वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक और बात, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 636 प्रोवाइड किया गया है जो कि अभी 15,000 के अंदर Redmi Note 5 Pro के अंदर आता है और हमारा एक और फोन है वो अभी याद नहीं आ रहा उसके अंदर आता है। तो अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में और प्रोसेसर के बारे में तो 15,000 के अंदर तो ये भाई साहब किलर फोन है। और बाकी अगर बात की जाए इस फोन में हमें फेस अनलॉक देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है, दोनों ही अपना काम सही से करते हैं। और तो और एक मेन बात, इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है, तो ये मुझे लास्टली 1.5 से 2 दिन तक तो ये चल ही जाता है आराम से और ऑलमोस्ट फुल चार्ज होने को ये 2 से 2.5 घंटे के आसपास लेता है। पर अगर ओवरऑल बात की जाए ना बैटरी परफॉर्मेंस भी इस फोन की बहुत ही खतरनाक है, 50,000 के अंदर तो ये कमाल है। Redmi Note 5 Pro और Mi A2 और जो Nokia 6.1+ आया है उन सबसे तो ये खतरनाक है, उन सबसे तो ये बेटर ही है फोन। तो गाइस अब इस फोन की जो मेजर एक मुझे बात अच्छी लगी, इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जो कि लास्टली मुझे 1.5 से 2 दिन तक का तो बैटरी बैकअप दे ही देती है, उसमें मैं गेमिंग भी करता हूँ और व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया सारे यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये फोन चार्ज होने को 2 से 2.5 घंटे लेता है। तो अगर बात की जाए बैटरी के मामले में तो ये अपने कॉम्पिटिटर फोन से इस मामले में तो आगे निकल ही गया। तो अगर इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस फोन में हमें स्टॉक UI देखने को मिलता है, करंटली ये एंड्रॉइड ओरियो पे बेस चल रहा है और फ्यूचर में इसका जो एंड्रॉइड पी का अपडेट है वो भी मिल ही जाएगा हमें। तो अगर अब हम हार्डवेयर की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है जो कि हमें Redmi Note 5 Pro और हमारा Nokia 6.1+ उन दोनों में ही हमें ये सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में तो Redmi Note 5 Pro को तो ये पीछे छोड़ दिया, पर Nokia 6.1 में भी स्टॉक UI है तो दोनों के फोन अभी दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है, तो ये गेम्स पबजी होगी, असफाइंड 9 जैसी गेम्स होगी
उनको ये स्मूथली हैंडल कर लेता है। उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो हीट भी अगर बात करें, हीट गेम खेलते हुए तो नॉर्मली हीट होता है, ज़्यादा नहीं, 40-42 तक ही जाता है, तो वीडियो देख लेना ऊपर। सो गाइस, अगर ओवरऑल स्मार्टफोन की बात करें तो ये स्मार्टफोन मुझे बहुत ही पसंद आया। सो गाइस, अगर हम बात करें इस फोन के स्पीकर के आउटपुट के बारे में, तो इस फोन का स्पीकर का जो आउटपुट है वो भी डिसेंट है, जो इसका लाउडर ही बोल सकते हैं इसको, और जो इसके ईयरपीस से भी जो ऑडियो आती है वो भी डिसेंट सी आती है। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन आता है कि क्यों ये नोकिया 6.1 प्लस और जो हमारा रेडमी नोट 5 प्रो उससे बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, Redmi Note 5 Pro से तो इसलिए बेटर है क्योंकि Redmi Note 5 Pro MIUI 9 पे चलता है, जो कि बहुत ही स्लो सा लगता है, मुझे बहुत लैगी सा लगता है, और जो ये है स्टॉक है सबसे बड़ी बात। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल सेम प्रोसेसर है दोनों स्मार्टफोन में। तो अगर Redmi Note 5 Pro की जगह अगर आप ये लें तो एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये नोकिया 6.1 प्लस से क्यों अच्छा है। देखिए, जो नोकिया का जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला, वो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 16,000, और उसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 है, और जो इसमें मिलता है, जो इसका Asus Zenfone Max Pro M1 का जो बेस वेरिएंट है, इसके एक्चुअली तीन वेरिएंट्स हैं जो मैंने पहले बताया होगा, फिर बता देता हूँ। एक है 3GB वाला, 4GB वाला और 6GB वाला। 3GB वाला मिलता है हमें 11,000 का, और जो हमारा 4GB वाला वेरिएंट है वो मिलता है हमें 13,000 का, और सेल में हमें 12,500 के अराउंड में मिल जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर कट 3,000 का डिफरेंस है, तो 3,000 में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं फ़ोन लूँगा 15,000 के अंदर, तो मैं Asus Zenfone Max Pro M1 को ही पिक करूँगा। सो गाइस, अगर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए तो कौन सा वेरियंट लें, मैं आपको 6GB वाला वेरियंट ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि 6GB वाला वेरियंट लें तो आपकी गेमिंग वगैरह बहुत ही अच्छी होगी। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही लें, तो चैनल की कुछ मदद ही हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको इस फोन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, यही था इस फोन का कुछ रिव्यू। अगर मैं बात करूंगा ना, तो Asus ने बहुत ही इंप्रेसिव फोन निकाला है, तो ये फोन तो सच्ची मुझे बहुत पसंद आ गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।